हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके बालों के लिए इतनी पावरफुल हेल्दी रेमेडी लेके आए हैं। फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को कंटिन्यू अप्लाई कर लेंगे तो आपके बालों की जो समस्या है वो पूरी जड़ से ख़त्म होंगी और आपके बाल नेचुरल ब्लैक होंगे, बहुत ही हेल्दी रहेंगे। आपके बाल जो टूट रहे हैं वो बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएंगे और जो आपके बालों में अगर रूसी है या आपके बालों में दो मुएँ हैं तो वो भी बिल्कुल अच्छे से बाल है, जो नेचुरल तरीके से आपके बाल हेल्दी रहेंगे। आप इस रेमेडी को अगर आप कंटिन्यू अप्लाई कर लेंगे तो सबसे पहले आपको लेना है चावल। तो चावल में इतने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं। ये दूसरी चीज़ इसमें ऐड कर देंगे अलसी। तो अलसी का भी आपको फायदे इसके मालूम होगा कि हमारे बालों को बहुत ही सिल्की शाइनिंग मजबूत बनाती है, हमारे बालों को कंडीशनर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है इसमें। और अब इसमें ऐड कर देंगे मेथी। तो मेथी आप क्वांटिटी आपके बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप इसको एक बार बना के स्टोर करके रख रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप एक बार के लिए आप इतनी बहुत सारी चीज़ें जो हमने ऐड की हैं बहुत ही ज़्यादा होंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है इसमें। और अब इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे आंवला, जो हमने ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिए हैं। इतना सारा फायदा करता है आंवला है, जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से बहुत ही हेल्दी बना के रखता है। ये हमारे बालों को मजबूत करता है और आप इसको कंटिन्यू अप्लाई कर लेंगे तो आपको डाई वाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचुरल तरीके से ये आपके बालों को हेल्दी बनाए रखेगा और आपके बालों को कलरफुल रखेगा। कोई इसमें आपको की साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें होती है। आपको डाई लगाते हैं तो हमारी जो भी स्किन होती है उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होने लग जाती है। तो आप इस रेमेडी को इस तरीके से लगाइए, आपके बालों की जो समस्या है वो पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और आपको इसको जब तक उबालना है कि इसका पानी आधा रह जाए, कि क्योंकि जो भी इसकी न्यूट्रिशन है जो पानी में अच्छे से चले जाए ना, हमारे बाल है जो बहुत ही अच्छे हेल्दी सिल्की होंगे आप इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे तो। तो आपको कम से कम इसको 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको उबलने देना है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस करें, और जो हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी जाके फॉलो लाइक शेयर करें, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही रेमेडी देखने को मिलेगी। तो देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे जितना आप इसको उबालोगे तो इसका पानी है जो बिल्कुल गाढ़ा होने लगेगा। ये जो चावल का पानी है वो इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारे बालों में कि हमारे बालों को बहुत ही अच्छी से लेंथ बढ़ाने में मदद करता है ये। तो चावल का पानी को आप अगर रात को चावल को पानी में भिगो के रखिए और आप उसको सुबह शैम्पू के साथ में भी यूज कर सकते हैं। और जब तक उबालना है कि इसके जो भी इसमें चीज़ें ऐड किए हैं वो उसके अच्छे से पक जाएँ और उसके न्यूट्रिशन जो पानी में अच्छे से आ जाएँ, तो आप देख सकते हैं आधा पानी इसका बचा है और पूरा अच्छे से पक चुके हैं ये चीज़ें जो हमने ऐड किया था, अलसी, मेथी और इसमें चावल। तो इतने सारे फायदेमंद ये हमारी रेमेडी बन के तैयार हुई है। इस तरीके से आप बना के और या तो रात को सोने से पहले लगाइए या आप इसको सुबह नहाने से पहले, तो आप इसके फायदे देख के खुद चौंक जाएंगे। इसके बेनिफिट कितने मिलने वाले हैं, आपके बालों की जो समस्या है पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपको कोई कंडीशनर या आपको सीरम का कोई भी खर्चा नहीं होगा आप इस तरीके से रेमेडी बना के अप्लाई करेंगे तो। ये इतना सारा जो न्यूट्रिएंट सीरम बन के तैयार हो गई है, आप इसको अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इसको कभी भी दिन में लगा के और आप इसको बालों में सुखा लेना और आपको कोई इसमें बाहर भीतर भी जा सकते हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सीरम टाइप का बनके तैयार हो चुका है ये। तो आपको कैसे भी टाइम मिले तो आप जिस ही टाइम में इसको यूज करें फ्रेंड्स, पर ज़रूर यूज करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेमेडी है। मैं जो भी रेमेडी लेके आती हूँ बहुत ही पावरफुल हेल्दी लेके आती हूँ कि जो भी हमारे बच्चों से लेके आप इसको बड़ों तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रेमेडी हमारी बनके तैयार हो गई। तो आप इसमें और चीज़ें ऐड करना चाहो तो आप इसमें जो भी अगर आप तेल यूज कर रहे हैं वो तेल यूज कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ज़रूर यूज करें। विटामिन ई का कैप्सूल इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है फ्रेंड्स, आप कोई भी चीज़ नहीं ऐड करोगे, तेल भी नहीं लगाओगे आपके बालों में, अगर विटामिन ई का कैप्सूल अगर आप हफ्ते में कम से कम 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल अपने बालों में लगा लेंगे तो आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की रहेंगे, आपके बाल बहुत ही मजबूत रहेंगे और आपके बालों की जो समस्याएं हैं पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, बाल आपके नेचुरल तरीके से ब्लैक रहेंगे। तो इस तरीके से हमने ये मिक्स कर लिया, देखिए रेमेडी हमारी इस तरीके से बनके तैयार हुई है ये फ्रेंड्स, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, रेमेडी को आप अप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट देख के खुद मजबूर हो के कमेंट करने को मजबूर हो जाएंगे। तो
ये देखिए रेमेडी हमारी बनके तैयार हो गई। या तो आप इसको नहाने से पहले अप्लाई करें, या आप रात को सोने से पहले जब भी आपको टाइम मिले पर इस रेमेडी को जरूर अप्लाई करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज को भी फॉलो लाइक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।